सब्सक्राइब के आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें पीहू टीवी को और नोटिफिकेशन बेल के आइकन पे क्लिक करें हमारी हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पीहू टीवी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अम्ब्रेला बाजू या फिर बेल स्लीव्स बनाएंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, इससे रिलेटेड मैंने और भी वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो उन वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमने बाजू की कटिंग करने के लिए फोल्ड करते हुए कपड़ा रख लिया है। जैसे हम नॉर्मल बाजू की ड्राफ्टिंग करते हैं, सेम उसी तरह से ड्राफ्टिंग करेंगे। मेरे केस में बाजू की लेंथ 15 इंचेस रेडी होगी और हम जैसे नॉर्मल बाजू में 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं, उसी तरह से 2 इंच मार्जिन रख लिया है, तो ये हमारा 17 इंच हो गया। आप इस ड्राफ्टिंग को पहले पेपर पे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट कपड़े पे बता रही हूँ। हम इस बाजू में 10 इंच ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे और 5 इंच की फ्रिल बनाएंगे, तो ये टोटल लंबाई हमारी 15 इंच हो जाएगी। अब सबसे पहले यहाँ से आर्म पिट से रखते हुए 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। आप जितना रखते हो आप उतने पे मार्क कर सकते हो और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, जैसे कि हम फोल्डिंग मार्जिन रखते हैं जो कि हम तुरपाई करने के लिए रखते हैं। और इसकी जो मोहरी है वो 4.5 इंच रेडी है, 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे तो ये 6 इंच हो गया। 6 इंच पे इसको मार्क कर लेंगे और यहाँ पे आर्म होल का मार्क करेंगे और आर्म होल के बाहर 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए इसको यहाँ पे इस निशान से मिला देंगे और यहाँ पे भी आर्म होल की शेप दे देंगे। तो आप इसी तरह से करते हो नॉर्मल बाजू की कटिंग। तो इतनी ड्राफ्टिंग करने के बाद अब बाजू का ऊपर वाला पार्ट काटेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 10 इंच रेडी रहेगा, तो सबसे पहले 1/2 इंच पे मार्क करेंगे जो कि हमारा शोल्डर की स्टिचिंग में दबेगा, और इसके बाद इस मार्क से रखते हुए 10 इंच पे एक मार्क करेंगे और इसके बाद 1/2 इंच का एक और मार्क लगाएंगे जितना कि कपड़ा हमारा फ्रिल अटैच करने में जाएगा। 1/2 इंच का दबाव देते हुए हम अटैच करेंगे। तो अब हम इस निशान को ऊपर से मेजर कर लेंगे, तो ये हमारा 11 इंचेस पे आ रहा है। तो आपका जितना भी होगा ऊपर का हिस्सा कोहनी तक जो मापते हैं, जितना भी होगा उसमें आपने 1 इंच ऐड कर लेना है। अगर आपको इस चीज़ को डिटेल से देखना है तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है अम्ब्रेला बाजू की, उसका लिंक सबसे टॉप में दे दूंगी मैं। उसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया कि किस तरह से आपने शोल्डर से लेके कहाँ तक मापना है और जो एल्बो राउंड लेना है वो किस तरह से लेना है। और ये जो एल्बो राउंड है ये हमारा 5.25 इंच है इस केस में। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई, तो हम इस पे इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो जितनी ये मैंने मार्किंग आपको करके बताई और कटिंग भी, तो आप इतनी मार्किंग को मींस ऊपर वाला पोर्शन काटने के लिए आप पेपर पे भी इसको कट कर सकते हो। तो अब ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा कट चुका है, अब हम फ्रिल के लिए कपड़ा लेंगे। फ्रिल बनाने के लिए हमने 6 इंच लंबा कपड़ा लिया है क्योंकि 1/2 इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा और 1/2 इंच हमारा यहाँ से सिलाई में दबेगा और ये 5 इंच रेडी रह जाएगी। आप चाहो तो थोड़ी लंबी भी फ्रिल बना सकते हो। और जो फ्रिल की चौड़ाई ली है हमने, ये डबल में है कपड़ा, ये हमने 11.5 इंच ली है क्योंकि मुझे 11 इंच रेडी रखनी है, डबल की बात कर रही हूँ। और सिंगल में ये कपड़ा 23 इंच है। तो फ्रेंड्स, व्यूअर्स को इसी में प्रॉब्लम आती है कि कितनी लेनी है चौड़ाई। तो आपको जितना भी राउंड रेडी रखना हो, जैसे मुझे 22 इंच रखना था तो मैंने ये 23 इंच लिया है कपड़ा। मिनिमम आप 20 इंच जरूर रखिए तैयार। तो जितना भी आपने राउंड रेडी रखना होगा इसका, उससे आपने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है कपड़ा, जो कि हमारा सिलाई मार्जिन होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब ये बाजू की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हमने इसकी मोहरी पे डिज़ाइन बनाना है। तो उसके लिए हम फ्यूजिंग पेपर लेंगे। ये हमने फ्यूजिंग पेपर या फिर पेस्टिंग पेपर ले लिया है, इसमें से हम 1 इंच चौड़ी और एव स्ट्रिप निकालेंगे। इस तरह की हम 3-4 स्ट्रिप्स निकाल लेंगे। अब बाजू से मैचिंग कपड़ा लेंगे और इसमें से भी 1 इंच चौड़ी और एव स्ट्रिप निकाल लेंगे। अब पेस्टिंग पेपर को इस स्ट्रिप में अटैच कर लेंगे प्रेस की हेल्प से, और अटैच करने के बाद इसे छोड़ देंगे। और हमने बाजू पे अटैच करने के लिए पाइपिंग भी ले रखी है। तो चलिए अब स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बाजू का ऊपर वाला हिस्सा लेंगे और इस पे पाइपिंग को रखते हुए अटैच कर लेंगे, और पाइपिंग को कपड़े की सीधी साइड पे रखते हुए अटैच करना है। अब इसे साइड में रख देंगे और फ्रिल वाला कपड़ा लेंगे। अब ये इस कपड़े की सीधी साइड हमने ऊपर की तरफ करते हुए रख ली है। अब हम इसमें छोटे छोटे प्लेट्स इंसर्ट करेंगे।
बराबर बराबर करते हुए हमने पूरे कपड़े पे इस तरह से प्लेट्स डाल लेने हैं। प्लेट्स डालना स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ से 1 इंच पे मार्क करेंगे जो कि हमें सिलाई मार्जिन के लिए चाहिए होगा, और उसके बाद प्लेटें डालना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से हमने इस एंड में भी थोड़ा सा कपड़ा ब्लैंक छोड़ लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अब हम इसको ऊपर वाले पार्ट से मिला करके देखेंगे कि हमारा सही आ रहा है। तो ये देखिए बिल्कुल सही है, हमारा कपड़ा इसके बराबर आ रहा है। अब हम फ्रिल की उल्टी साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखेंगे और इसके इस एंड को फोल्ड करते हुए स्टिच देंगे। पहले एक बार 1/4 इंच फोल्ड कर लेंगे और एक बार फिर से। और इस पूरे एंड पे स्टिच दे देंगे। अब ये स्टिच हमारा लग चुका है। अब इसकी सीधी साइड पे पाइपिंग रखते हुए अटैच करेंगे। अब पाइपिंग लग जाने के बाद हम ये वाली स्ट्रिप लेंगे जो कि हमने रेडी की थी फ्यूजिंग पेपर और कपड़े की हेल्प से। इसके दोनों एंड्स को इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार फिर से इसको फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच लगाते हुए एक स्ट्रिप रेडी कर लेंगे। ये हमने इसके जैसी 3 स्ट्रिप्स रेडी कर ली हैं। अब हम इसको 2.5 इंच के पीसेस में काट लेंगे। अब इन पीसीज को एक एक करके इस तरह से स्ट्रेच करेंगे और ये कर्वी शेप में आ जाएगा, और इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। अब इन पीसीज को एक एक करके फ्रिल में इस तरह से रखते हुए अटैच कर लेंगे, और जो स्टिच हमने पाइपिंग लगाते हुए लगाया है उसी स्टिच के ऊपर स्टिच देंगे। ये हमने पूरी फ्रिल में अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ पे 1/4 इंच के गैप पे एक और स्टिच देंगे। जो हमने स्टिच पहले लगाया था फोल्ड करते टाइम उसी स्टिच के ऊपर स्टिच लगाएंगे ताकि पाइपिंग का एंड भी दब जाए और ये जो हमने स्ट्रिप्स अटैच की हैं ये भी पक्की हो जाएं। अब इसे बाजू के ऊपर वाले पार्ट में अटैच करना है, तो हमने इन दोनों की सीधी साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखी है। अब ये जो हमने पाइपिंग लगाई है इसे हम इस तरह से करेंगे तो ये हमारी पाइपिंग निकल आएगी, और यहाँ पे 1/2 इंच तक कपड़ा दबाते हुए इस पर स्टिच लगा देंगे। अब ये स्टिच लगाने के बाद इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ से जो हमारी एल्बो राउंड है वो 1.25 इंच है, तो इससे हम 0.5 से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे कपड़ा, और इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ से काट देंगे क्योंकि मैंने पहले एक्स्ट्रा लिया हुआ था जो कि आपको पता है 1.5 इंच मार्जिन रखा हुआ था हमने। और अब इन निशानों को इस तरह से मिलाते हुए इसमें फिटिंग की सिलाई जैसे हम नॉर्मली लगाते हैं उस तरह से लगा देंगे। यहाँ से आपने हल्की सी कर्वी शेप देनी है, मीन्स यहाँ पे कॉर्नर नहीं बनाना है क्योंकि उससे खिंचाव पड़ेगा जब हम बाजू को पहनेंगे। तो इसी के साथ हमारी बाजू कंप्लीट होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ से पाइपिंग एकदम से मिल करके आई है और बिल्कुल फिनिशिंग से आई है, और पहनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। फ्रेंड्स आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियोज़ को शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।